तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 13 चैप्टर खत्म कर चुके, ये आपका 14वां चैप्टर है। याद रखिए हर चैप्टर के खत्म होने के बाद आपको इसका निष्कर्ष बता दिया जाता है, ठीक है। इसका क्या मुख्य पढ़ने का हमारा उद्देश्य था उसे बता दिया जाता है। तो याद रखिए, इसे बड़े धैर्य के साथ सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। 14वां चैप्टर है आपका विद्युत धारा और इसके प्रभाव। आपने कक्षा 6वीं के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल आपके हाथ कितना स्थिर है को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो आप अब आप इसे करके देखिए। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6वीं में सुझाव अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजित किया था। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफी मनोरंजन किया था। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने यह निश्चित किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। अतः पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजित किया जाए। याद रखिए जो भी इसमें प्रयोगशालाएं दी जाती हैं, क्रियाकलाप दिए जाते हैं, इन सबको आपको पढ़ के निकल जाना है। आपको किसी भी को करते नहीं बैठना है, ठीक है। कक्षा 7वीं की जो बच्चे हैं उनके लिए प्रयोगशालाओं या प्रैक्टिकल करने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो आपको एक बार पढ़ के निकल जाना है। क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इससे बूझो ने यह जानना चाहा कि किन इन अवयवों को विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है। बात करते हैं विद्युत अवयवों के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयवों को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी 14.1 में कुछ विद्युत अवयव उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तक में इन अवयवों के विभिन्न प्रतीक देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। ये आपका विद्युत सेल हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, स्विच ऑन की स्थिति हो गई, ये आपकी स्विच ऑफ की स्थिति हो गई, ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपका संयोजी तार हो गया, ठीक है। प्रतीक ये है, सेल के लिए है, बल्ब के लिए है, ये आपका स्विच ऑन के लिए, स्विच ऑफ के लिए है, ये आपका बैटरी के लिए है, ये आपका संयोजी तार के लिए। इन प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इसमें एक लंबी रेखा और दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण आर टर्मिनल होता है। विद्युत सेल के प्रत्येक प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को तथा छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। स्विच के लिए ऑन स्थिति और तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीक के अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ के विद्युत अवयवों को संयोजी करने में उपयोग होने वाले संयोजी तार रेखाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या होती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता होती है। हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, ठीक है। ये आपका एक बार और देख लीजिए। विद्युत सेल हो गया जिसका प्रतीक होगा इस तरह से होता है, विद्युत बल्ब का ये है प्रतीक आपका, और स्विच का ऑन का ये है, ऑफ का ये है, और बैटरी का ये है, और संयोजी तार का ये है। टॉर्च
ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है। तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद एक दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है इस तरह से, ठीक। तब फिर सेलों के टर्मिनल को इस प्रकार संयोजित किया जाता है। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। फ्रेयाइड में एक मोटा तार तथा धातु की बत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ती है। बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के लिए के उद्देश्य से आपकी सहायता के लिए प्रया इन पर प्लस और माइनस चिन्ह अंकित होता है, ठीक है। प्लस और माइनस चिन्ह आपका अंकित होता है। अब बैटरी बनाने के लिए दो सेलों को एक साथ संयोजित करना। अपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजित करते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के गुटके, लोहे की दो बत्तियों तथा रबड़ के छलनों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें। यह आपका सेल होल्डर। दो या अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाजार से भी खरीद सकते हैं। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। चित्र 14.5 के अनुसार सेल होल्डर की धातु की दो किल्पों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजित कीजिए। आपको बैटरी उपयोग के लिए तैयार होगा इस तरह से। किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक सारणी 14.1 में दर्शाया गया था। आइए हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचे। पहली तथा बुजुर्ग यह जानना चाहते हैं कि ट्रैक्टरों, ट्रकों, इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियों में भी सेलों से बनी होती हैं। तब फिर इन बैटरियों बैटरी क्यों कहते हैं? क्या इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको, ठीक। आगे बात करते हैं क्रियाकलाप 14.1। चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6वीं में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को जलाने के करने के लिए या दीप्त करने के लिए किया था। क्या आपको याद है कि बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है। जैसे ही स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। एक विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपने नोटबुक में बनाएं। विभिन्न विद्युत अवयवों के प्रतीक का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचे। क्या आपको आरेख चित्र 14.8 में दर्शाए गए आरेख जैसा दिखता है? यह आपका दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख है। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेख खींचना काफी आसान होता है, इसलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथों को परिपथ आरेखों से निरूपित करते हैं। चित्र 14.9 द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेख दर्शाया गया। क्या यह चित्र 14.8 में दर्शाई एक परिपथ जैसा ही है? इन परिपथों में क्या अंतर है? यह है आपका अन्य परिपथ आरेख। क्या चित्र 14.9 में दिखाए गए परिपथ विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा? यदि याद कीजिए, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं, अथवा फिलामेंट भी कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। ध्यान दीजिए कि कुंजी तथा स्विच को परिपथ में कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जब स्विच
ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत मेंस में संयोजी दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ना छूएं, यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपको हाथ जल सकता है। विद्युत मेंस विद्युत जनित अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ ना करें, आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलाप के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग करें। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? आपने यह ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है, क्या आपको यह जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। चित्र 14.9 में दर्शाए गए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना चाहिए। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होगा? बिल्कुल नहीं। बल्ब को छूकर देखिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त होने दीजिए। बल्ब को फिर छू कर देखिए। क्या आपको कोई अंतर अनुभव करते हैं? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय के पश्चात फिर से बल्ब छूकर देखिए। यहाँ बताया गया है कि जब आपका बल्ब जलेगा तो वो गर्म होगा, ठीक है? चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाना है। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार एक टुकड़ा लेकर इसे 2 किलो के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत संद्युतों की मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श कीजिए। इसे अधिक समय तक पकड़ी मत रखिए। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों के पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। इस तरह से स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक ना रखें। ऐसा करने से सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है पॉइंट, ठीक है? पूरी कहानी जो सुनाई गई है वो हमारे लिए कहानी है, जो बस इस तरह की जो पॉइंट है उन्हें भी पकड़ना है हमें। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसे विद्युत संधित्व का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है? ऐसे संधित्वों की एक सूची बना सकते हैं। आपने कमरों को गर्म करने तथा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे। इन सभी तारों की एक कुंडली होती है। इनमें तार की इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। आपने यह ध्यान दिया होगा कि जब इन संदिग्ध को विद्युत मैन से संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर उष्णा देने लगते हैं। खाना पकाने में उपयोग आने वाला विद्युत तापक हीटर देखा होगा। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस ताप के पदार्थ की धातु जिससे वह बना है लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विद्युत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाली तार संयोजी तार सामान्यतः गर्म नहीं होते।
इसके विपरीत कुछ विद्युत संदिग्धों के अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रारंभ कर देते हैं। यदि किसी तार से बड़े बड़े मार्ग की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतने अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट भी सकता है। ये आपका विद्युत स्तरीय तापन अवयव देखा होगा आपने। ये आपका विद्युत बल्ब का दीप्त तंतु हो गया। देखिए, जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से दोहराइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेलों की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तार के स्थान पर इस बार बोर्ड यानी कि स्टील बोर्ड का तार या पतली लंबी लड़ी बांधी। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग पर्याप्त रसोई घर में बर्तनों को साफ करने में उपयोग होता है। तथा यह किराने की दुकान पर उपलब्ध होता है। यह कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो उसका स्विच ऑफ कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्पात ऊन के तार अथवा लकड़ी का ध्यान से निरीक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि क्या होता है। क्या इस्पात ऊन का तार या लकड़ी पिघलकर टूटती है? कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब फिर शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है। सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षा पूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो तार अति तप्त हो जाता है जिससे आग लग सकती है। यदि परिपथ में उचित फ्यूज लगा है तो यह पिघल सकता है। क्या होता है? पिघल जाता है। अतः फ्यूज सुरक्षित दिखती है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग की भी सुरक्षा प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है। चित्र 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज को दर्शाया गया। चित्र 14.15 में दर्शाए गए फ्यूज का व्यापक उपयोग विद्युत संदिग्धों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का निरीक्षण किया। इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे है करें इसके बारे में सीखा। ये आपके विद्युत फ्यूज तथा विद्युत होल्डर, ठीक है, देखी होगी आपने। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों का प्रयोग उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देता है। इसका अर्थ है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। इति दीप्त नलिकाएं, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट तथा सनद पिति दीप्त लैंप, इनमें बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आजकल प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ गया है। एक निश्चित दीप्ता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए ताप दीप्त बल्बों, पिति दीप्त नलिकाओं तथा सनंद पिति दीप्त लैंपों की तुलना में एलईडी बल्ब का विद्युत का कम उपयोग करते हैं। इसलिए इस प्रकार एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष है और इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। ये आपकी सीएफएल, ये आपका बल्ब हो गया, ये आपकी एलईडी होगी। देख लीजिए, ऐसे विद्युत संधित या गैजेट को
प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मार्ग ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्ग कहते हैं, जो उत्पादों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देता है। प्रतिदिन नलिकाओं तथा सीएफएल में पारी का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदिन नलिकाओं तथा सीएफएल का निपटारा सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना है। ऐसा टूट फूट अथवा तारों को विद्युत रोशन के हटने के कारण हो सकता है। इससे लघु पतन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजित करना हो सकता है। इससे परिपथ में अति भारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अति भारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा। आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती तो ये ऐसे स्विच होते हैं जो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर से ऑन कर सकते हैं तो पुनः परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर भी आई चिन्ह अवश्य देखिए, सदैव आई चिन्ह वाले उचित फ्यूजों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुपयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। प्रयाग का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बे की कार्ड बोर्ड टे गई, इसके चारों ओर विद्युत तार की कुछ फेरे लपेटिए, टे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होने होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा में दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक क्षण चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति पर ले जाइए, क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आती है? देखिए, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक उसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा है कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? ये है आपके हैंस क्रिश्चियन ओस्टेन। इस प्रकार के प्रेक्षण में हैंस क्रिश्चियन ओस्टेन नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबक के निर्माण में किया जाता है। बात करते हैं विद्युत चुंबक। लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील, लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा एनिमल लेपित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को
किसी स्विच से होते हुए चित्र 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। कुछ पिन कील के सिरे पर इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नीब नोक से चिपकते हैं? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिर से चिपके हैं? यह है आपका इस तरह से विद्युत चुंबक। याद रखें इस क्रियाकलाप में एक बार बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल सीधी दुर्बल हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार की कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। इन्हीं शब्दों की परिभाषा दिखाने के लिए हमें ये सब कहानी गढ़ी जाती है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अपना पॉइंट निकालना है, निकल जाना है। ठीक है, विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है, ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6वीं के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेन के एक सिरे पर प्रायः एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौने के भीतर भी विद्युत चुंबक अकेले लगे होते हैं। बात करते हैं विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी से भलीभांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होती है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 इस तरह से विद्युत घंटी का मॉडल। मैं एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है। इसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप का संपर्क पैंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पैंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देती है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अभी विद्युत चुंबक बनी रहती है? नहीं। जब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है तो यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पैंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती जाती है। तो इस अध्याय में आपने क्या क्या सीखा है? बैटरी के बारे में जाना है, विद्युत परिपथ के बारे में जाना है, विद्युत अवयव के बारे में जाना है, लघु पतन के बारे में जाना है, विद्युत घंटी भी देखिए, विद्युत चुंबक देखिए, विद्युत फ्यूज देखा है, सेल होल्डर देखा है, विद्युत साधित देखा है, विद्युत का तापीय प्रभाव भी देखा है, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव देखा है और कुंडली भी देखी। और इन्हीं शब्दों की हमें परिभाषा जाननी होती है। इसी उद्देश्य से हम लोग इसे पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को। तो आपने क्या क्या सीखा है? विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुपयोग भी हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघल कर टूट जाते हैं।
इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाने में होते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारावाही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग लगा सकते हैं। पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और एक बार हो सक अगर हो टाइम तो उससे पढ़ लीजिए, ठीक, और निकल जाइए, बस इतना ही हमें पढ़ना है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे खुद समझ में नहीं आया ऐसा कोई शब्द मिला होगी जो आपको समझ में ना आए। अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है 90 से 95% आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। और ये भी जानता हूँ कि इसे पढ़ने में बहुत आलस आता होगा क्योंकि बोरिंग लगती होगी, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक से प्रयाग थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है, यद्यपि इनमें इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडिसन बिल्चन इतिबा के व्यक्ति थे, उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्राफोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन पेशक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों के बाद टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया, यह थॉमस अल्वा एडिसन। देख लीजिए, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो ये आपका 14वां चैप्टर हो गया, विद्युत धारा, इसके प्रभाव, और अब बात करेंगे 15वें चैप्टर में प्रकाश के बारे में। 15 चैप्टर होगा हमारा प्रकाश।